अस्सलाम वालेकुम K4, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू आवर लेक्चर नंबर 4 ऑफ SST। K4 प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना लेसन नंबर 1 सिटीजनशिप यानी शहरियत की रीडिंग एक्सप्लेनेशन उसका कॉपी वर्क कंप्लीट किया था। उम्मीद है कि आपने अपना नोटबुक का काम और रीडिंग को अच्छे तरीके से समझ कर अच्छे तरीके से किया होगा। K4 आज हमने अपना लेसन नंबर 2 स्टार्ट करना है। टुडे हमने आज रीडिंग करनी है लेसन नंबर 2 की डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस यानी तनु और रवादारी की। K4 लेसन नंबर 2 है डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस यानी तनु और रवादारी। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। इन पाकिस्तान पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस रिलीजन्स लैंग्वेजेस एंड रीजन्स लिव टुगेदर। पाकिस्तान में मुख्तलिफ रंग नस्ल मजहब जुबान और इलाके से ताल्लुक रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं। लाइक पाकिस्तान मोर और लेस एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज पीपल ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड रेसेस। पाकिस्तान की तरह दुनिया के कमोबेश हर मुल्क में मुख्तलिफ रंग और नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। दीज पीपल लिव टुगेदर बेस्ड ऑन कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। ये लोग मुश्तरका खसूसियात की बिना पर मिलजुल कर जिंदगी गुजारते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर द यूनाइटेड स्टेट्स कैनेडा स्पेन नाइजेरिया एंड सिंगापुर आर कंट्रीज वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस लिव टुगेदर। अमरीका कैनेडा स्पेन नाइजेरिया और सिंगापुर वगैरह ऐसे ममालिक हैं जहां मुख्तलिफ रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आपस में मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं। हसन लिव्स इन इस्लामाबाद। हसन इस्लामाबाद में रहता है। हिज फादर इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उसके वालिद सरकारी मुलाजिम हैं। लाइक हसन्स फैमिली मैनी अदर फैमिलीज लिव हेयर। हसन के ख़ानदान की तरह और बहुत से ख़ानदान यहाँ रहते हैं। इन द इवनिंग ऑल द चिल्ड्रन गैदर इन द पार्क एंड प्ले टुगेदर। शाम को सबके बच्चे पार्क में जमा होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं। हसन हैज़ अ डीप फ्रेंडशिप विद अंजलि हरजीत एंड योयान। माइकल अंजलि हरजीत सिंह और योयान से हसन की गहरी दोस्ती है। On the occasion of Eid, everyone comes to congratulate him. ईद के मौका पर सब उसे मुबारकबाद देने आते हैं। हसन also goes to their house on their festivals Christmas, Diwali, Baisakhi and Spring Festival. हसन भी इनके त्योहारों क्रिसमस दिवाली बैसाखी और स्प्रिंग फेस्टिवल पर इनके घर जाता है। Everyone take care of each other's happiness. सब एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते हैं। Like Islamabad, there are many other cities and places in the world where people of different colors, races, religions, languages and beliefs live together. इस्लामाबाद की तरह दुनिया में और भी बहुत से ऐसे शहर और जगह हैं जहां मुख्तलिफ रंग नस्ल मज़हब ज़ुबान और अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं। पीपल लिव इन अ सोसाइटी पोसेस डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड वर्च्यूज़। माशरे में रहने वाले लोग अलग अलग सलाहियतों और खूबियों के मालिक होते हैं। If there are such people in the country, then the work can be done in less time and in a superb manner. As a result, country develops and atmosphere of peace is established. मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हों तो काम कम वक्त और आला दर्जे में तश्कील पाता है जिससे मुल्क तरक्की करता है और अमन की फिजा कायम होती है। लेसन नंबर 2 का सेकेंड टॉपिक है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट यानी अमन और तनाज़ा। पीस मीन्स हारमनी। अमन के मायने सुकून और आपस में सुलह सफाई से रहने के हैं। पीस क्रिएट्स एन एटमोसफेयर ऑफ ट्रस्ट रिस्पेक्ट एंड कामनेस इन आर सोसाइटी। अमन से माशरे में एतमाद एहतराम और सुकून की फिजा कायम होती है।
In every society, people from different backgrounds live together. हर माशरे में मुख्तलिफ पसे मंजर के लोग इकट्ठे रहते हैं. That is why being a part of different backgrounds, sometimes differences arise. हर माशरे में मुख्तलिफ पसे मंजर के लोग इकट्ठे रहते हैं तो कभी कभार एक दूसरे की बातों से इख्तलाफ पैदा हो जाता है. Disagreements that arise as a result of differences of opinions and principles between people are called conflicts. लोगों में असूलों और मफादात के इख्तलाफात के नतीजे में पैदा होने वाले इख्तलाफ को तनाज़ा कहते हैं. All kinds of differences must be solved with peace and dialogue. हर किस्म के इख्तलाफ को अमन व सुकून और बातचीत से दूर किया जाता है. Our thoughts and ideas about other configurate our attitudes. दूसरों के बारे में हमारी सोच और ख्यालात हमारे रवैयों को तश्कील देते हैं. Our attitudes are very important in daily life. रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे रवैये इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं. If we have a negative attitude towards someone, we will consider it wrong. Or this type of behavior can lead to conflicts. मिसाल के तौर पर अगर हम किसी के बारे में मनफी रवैया रखते हैं तो हम इसे हमेशा गलत ही समझेंगे. हमारे इस रवैये से तनाज़ात पैदा हो सकते हैं. आज हमने अपने लेसन नंबर 2 की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन की है. हाफ चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन की है. नेक्स्ट लेसन लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हाफ की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ में उसका कॉपी वर्क भी करेंगे. के फॉर उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. के फॉर स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू वेरी मच. के फॉर अल्लाह हाफिज़.